अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज मैं आप लोगों के साथ मशरूम की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि जिसको देखते ही आपके मुंह में पानी आ जाएगा, क्योंकि देखने में जितना ये टेस्टी लग रहा है खाने में भी ये इतना ही टेस्टी था, क्योंकि तैयार होते ही मैंने इसको चख लिया था। तो ये टेस्टी सी रेसिपी तैयार करने के लिए हम 2 पैकेट मशरूम लेंगे। 1 पैकेट 400 ग्राम है, यानी टोटल मशरूम हमारे 800 ग्राम है। मशरूम को हमने अच्छे से धो के बड़े बड़े पीसेस में काट दिया है कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा हम इसमें शिमला मिर्च ऐड करेंगे और ये 2 मीडियम साइज़ की अनियन शामिल करेंगे। मशरूम को थोड़ा सा कुरकुरे बनाने के लिए हमने 2 टेबलस्पून चावल का आटा लिया है और 2 टेबलस्पून ही कॉर्नफ्लोर लिया है। और हम इसमें कोई स्पेशल मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ड्राई ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अच्छे से कोट नहीं होंगे, इसलिए हम इसके ऊपर थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे और हाथ की मदद से अच्छे से मिक्स कर देंगे, ताकि कॉर्नफ्लोर और चावल का आटा मशरूम के ऊपर थोड़ा सा चिपक सके कुछ इस तरीके से। अब हम इसको थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। मशरूम मेरे पास ज़्यादा है तो इसलिए मैं इसको 2 शिफ्टों में ही फ्राई करूँगी। मशरूम हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इसके लिए मसाला तैयार करेंगे। जिस ऑयल में हमने मशरूम्स फ्राई किए थे वही ऑयल लेके हमने इसमें 1/2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। इसके बाद चॉप अनियन डाल दिया है। जब अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शिमला मिर्च डाल देंगे। यहाँ भी हम कोई मसाले ऐड नहीं करेंगे। 1 टेबलस्पून सोया सॉस डाल देंगे, 1 टेबलस्पून वाइट सिरका डाल देंगे और 1 टेबलस्पून ही हॉट सॉस यानी चिली सॉस डाल देंगे। 1/2 टीस्पून हमने इसमें नमक ऐड किया है। अब हम इसमें अनियन ऐड करेंगे और ये थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर वगैरह बच गया है तो हम इसका एक गोल सा तैयार कर लेंगे और इसको शिमला मिर्च में ऐड करेंगे। अगर आप लोगों को इसमें ग्रेवी पसंद है तो फिर आप पानी ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा सूखा सूखा यानी मसाले वाला रखूँगी। शिमला मिर्च को हमने ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सा क्रंची रखना है। अब हम इसमें फ्राई मशरूम डाल के 1-2 मिनट के लिए कुक करेंगे, क्योंकि मशरूम को हमने पहले से ही फ्राई कर दिया है इसलिए इसको ज़्यादा ओवर कुक करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा शिमला मिर्च और सॉसेजेस के साथ मिक्स करना है। 1-2 मिनट के बाद रेसिपी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और ये लुक चेक करें, कितने मज़े का ये लग रहा है और खाने में भी ये इतना ही मज़े का है, क्योंकि तैयार होते ही मैंने इसको चख लिया है। इस रेसिपी को आप लोग भी एक बार मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।